हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसी कुरकुरी मेथी मठरी की ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली है ये मेथी मठरी जो है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 2 बाउल मैदा ले लिया है। तो मैदे को मैंने छान कर ले लिया है, तो वज़न में लगभग ये 400 ग्राम है। तो ये मैदा मैंने ले लिया है एक बड़ी प्लेट में, और इसमें मैं 1 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर अजवाइन डाल देंगे, 1 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। इसको हाथों में ऐसे रब करके डालेंगे। तो ये भी मिला दी है। तो यहाँ पर मैंने ये काली मिर्च को कूट के ले लिया है, तो इसको भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर ये मैंने कसूरी मेथी ले ली है 2 टीस्पून, इसको मैं ऐसे हाथों में रब करके डाल दूँगी। तो देखिए मैंने डाल दी है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इन सब चीज़ों को। और यहाँ पर मैं 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल ले लूँगी फ्रेंड्स। तो इसमें हमें रिफाइंड ऑयल या घी का प्रयोग करना है, इसमें हमें मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है। तो ये मैंने 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल इसमें डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मोयन जितना अच्छा होगा उतनी ही हमारी जो मठरी है बहुत ही कुरकुरी और खस्ता बनेंगी। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है मोयन को इसमें। तो अच्छे से ऐसे मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, बिल्कुल सही से करना है इसको मिक्स। और बिल्कुल मिक्स होने के बाद ये आटा ऐसे बंधना चाहिए। ये देखिए, इसका मतलब हमारा जो मोयन है सही है बिल्कुल। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। तो हमें हार्ड डो बनाना है और पानी भी इसमें हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ऐसे ऊपर से पानी को छिटकते हुए इसको आटे को तैयार करना है, इसके जो मैदा है ये। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बनाना है हमें। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स हम फॉलो करेंगे तो जो हमारी मठरी है बहुत ही कुरकुरी और खस्ता हलवाई जैसी बनेगी। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। तो मैदे को हमें ज़्यादा गूंथना नहीं है, बस इसको हमें बाइंड करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहना है। तो ये देखिए हमारा जो मैदा है हमने ऐसे गूंथ लिया है। तब इसको एक साथ मिला के गूंथ देंगे। अब ये देखिए, तो ये हमारा जो मैदा है वो गूंथ गया है मेथी मठरी के लिए। तो इसको ज़्यादा नहीं गूंदना है। तो मैंने ऐसे ही ये इसका डो बना लिया है। और अब इसको हम ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम मठरी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे गूंथ दिया है। और अब इसकी हम लोइयाँ बना देंगे जो मठरी की है। तो हमें ये देखिए छोटी छोटी हमें लोइयाँ निकालनी है मठरी के लिए, जितने साइज की आप मठरी बनाना चाहते हैं। तो मैंने छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लूँगी पहले। तो ये देखिए छोटी छोटी लोइयाँ मैंने ऐसे निकाल ली हैं इस मैदे में से। ये देखिए ऐसे ही बना लेंगे सारी जो मठरी की लोइयाँ हैं। वो तो बहुत ही जल्दी बन जाती हैं फ्रेंड्स, घर पर ही ये मठरी। तो हम इसको घर पर ही बना सकते हैं बहुत जल्दी। तो देखिए हमने ये लोइयाँ तोड़ ली हैं। तो अब एक 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 लोई मैंने ऐसे ले ली है और इसको हमें नीचे रख के इसको हथेली से बीच में प्रेस करना है इस मठरी को। और इसको हमें ज़्यादा शेप नहीं देना है, बस इसके हमें बीच में सेंटर में प्रेस करना है हथेली से। तो साइड से हमें इसे मोटा रखना है, बीच में से इसको हमें पतला करना है प्रेस करके। तो देखिए हमने सारी मठरियाँ ये बना ली हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मठरी के लिए मैंने तेल गरम कर लिया था, रिफाइंड ऑयल। तो इसको हमें लो फ्लेम पर तलना है। तो जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तब हम मीडियम लो कर सकते हैं फ्लेम को। तो ये देखिए अभी मैंने लो फ्लेम पर रखा है इन मठरियों को। अब ये थोड़ी सी जब फ्राई होके ऊपर आ जाएंगी तब मैंने इस जो फ्लेम है गैस का वो मैंने मीडियम लो कर लिया है। तो अब इसको ऐसे पलट कर इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये जले ना नीचे से। तो इन्हें फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं हम इसे। तो देखिए गोल्डन कलर आ गया है मठरी में। और अब इसको हम निकाल लेंगे मठरी को। ये मठरी हमारी फ्राई हो गई है।
तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इन्हें भी निकाल लेंगे प्लेट में। बहुत ही खस्ता और कुरकुरी मटरी बनी है, तो ऐसे ही हम बाकी की मटरियों को भी फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हलवाई जैसी कुरकुरी मेथी मठरी। तो बहुत ही खस्ता और कुरकुरी मेथी मठरी बनी है, तो आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस फेस्टिवल सीजन में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।